हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, जो आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। चलिए फिर हम बताते हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को आपका सिलेबस दिखाऊंगी, कौन कौन से आपके सिलेबस में टॉपिक हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, उसी तरह यूनिट थर्ड, फोर्थ, इसकी बात होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। और मैं आपको अभी इंग्लिश में आपका सिलेबस है, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट है आपका एजुकेशनल। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग, ठीक। और आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें आप मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, इन सबके बारे में आप पढ़ेंगे। सेकेंड है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें आप पढ़ेंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है इसमें आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इसमें आप पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस एंड टाइप्स, लीनियर एंड ब्रांचिंग। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड वेरिएशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। आप पूरा यूनिट फर्स्ट में इन सबको पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड में है टास्क ऑफ टीचिंग। इसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग एंड इट्स ऑपरेशंस। इसमें प्रीएक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में टीचिंग एड्स एंड टीचिंग। टीचिंग एड्स में पढ़ेंगे इसका मीनिंग, नीड, टाइप्स, प्रोजेक्टेड। इसके जो टाइप्स हैं, एक प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट मल्टी सेंसरी टीचिंग में पढ़ेंगे आप मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, एडगर डेल स्कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, इसमें पढ़ेंगे OHP प्रोजेक्टर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, LCD प्रोजेक्टर। नेक्स्ट यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फेस टू फेस डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ईमेल, इंटरनेट, स्मार्ट क्लासेस, CI, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। आपका OER, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी एक बार लास्ट एग्जाम्स में 2018 में, नहीं सॉरी 2017 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था OER की फुल फॉर्म, दैट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपका यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें आप लर्निंग और टीचिंग का पूरा मैनेजमेंट सीखेंगे, जैसे कि फर्स्ट अर्निंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग, राइट। यूनिट फाइव में स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ग्रुप वर्क, ब्रेन स्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग, टीम टीचिंग। इसमें आप सारी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे टीचिंग की। यूनिट फाइव में मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। इसमें टीचर बिहेवियर को मॉडिफाई करने के बारे में आप पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर में सिमुलेशन टीचिंग, टी ग्रुप ट्रेनिंग, इंटरेक्शन एनालिसिस, एक्शन रिसर्च, माइक्रो टीचिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स लाइक इंट्रोडक्शन, रीइन्फोर्समेंट, प्रोबिंग क्वेश्चंस, स्टाइमलेस वेरिएशन, एक्सप्लेनिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग। नेक्स्ट है आपका यूनिट सिक्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। इसमें पढ़ेंगे आप टीचर इवोल्यूशन, टीचर ऑटोनोमी, टीचर अकाउंटेबिलिटी, कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, राइट। ये है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस। अब ये आपको पूरा इंग्लिश में मिला था, मैं आपको पूरा इसको हिंदी में बताऊंगी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। इसमें देखिए, फर्स्ट है आपका शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आपको इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बीएड में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है इस टॉपिक से। इसमें आपसे वो पूछ लेगा शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, संप्रत्यय एवं प्रकार बताइए, दैट मीन्स डिफाइन मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं शैक्षिक तकनीकी के घटक, तो कभी कभी इस क्वेश्चन में इसको भी इंक्लूड कर लेता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी घटक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका अभिकर्मित अनुदेशन। इट इज अ वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन में आपका क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इसमें आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिद्धांत है और क्या इसके प्रकार है। तो अभिकर्मित अनुदेशन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, दो प्रकार से हम दे सकते हैं बालक को। एक तो उसको पाठ्य वस्तु के रूप में, मतलब उसको दिखाकर, ठीक है,
अगर मतलब शिक्षक उसको समझाए बताए। दूसरा उसको अभिकर्मित अनुदेशन के द्वारा, अभिकर्मित अनुदेशन में ये होता है कि बच्चा स्वयं से अपनी गति के अनुसार सीखता है। उसको एक जैसे कि उपकरण होते हैं ना शिक्षक के, उपकरण दृश्य और श्रव्य उपकरण, उसकी सहायता से बच्चा अभिकर्मित अनुदेशन में सीख पाता है। इसका पूरा का पूरा सिद्धांत और प्रकार आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज और है जो कि इस टॉपिक में दी नहीं गई है। इसका पूरा का पूरा ना इसके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है? तो आप उस टाइप्स के बारे में पढ़ोगे जो कि मैंने अभी इंग्लिश वाले सिलेबस में आपको बताया था, ठीक है? अभिकर्मित अनुदेशन में देखिए, इसमें जो है ना आपका ये टाइप्स वाला पूछा है, टाइप्स लीनियर एंड ब्रांचिंग। तो ये आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के टाइप होते हैं, लीनियर एंड ब्रांचिंग। आप इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रांचिंग आपका किसने स्टार्ट किया था और लीनियर अभिकर्मक अनुदेशन, ठीक है? तो लीनियर क्या था, स्कीनर से रिलेटेड था, बीएफ स्कीनर ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया। लीनियर ब्रांचिंग के अलग थे, तो सब अलग अलग क्या थे इनके, उन्होंने अपना अलग अलग बनाया था तब बताया। नेक्स्ट है आपका इसमें शिक्षण के स्तर। जो यहाँ पे शिक्षण के स्तर है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? और वो शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं कि शिक्षण के स्तर बताइए कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, शिक्षण के तीन स्तर है आपका, ठीक है? स्मृति, बोध स्मृति, और आपका दूसरा क्या है, चिंतन, ठीक है ना? तो आपका बोध स्मृति चिंतन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी और आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बताते हैं। नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड्स, ठीक है? टीचिंग एड्स, इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये इतना लॉन्ग में इतना नहीं आता, ये शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो टीचिंग एड्स में हमारा क्या आता है, जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां। तो आपका दृश्य सामग्री कौन सी होगी, जैसे कि आप श्याम पट पे दिखा देते हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे बना के, ठीक है? राइट, और उसको कोई चार्ट वगैरह दिखाना, ये सब आपका दृश्य सामग्री हो गया। श्रव्य सामग्री, जब आप उसको प्रोजेक्टर वगैरह दृश्य श्रव्य के साथ सिखाते हैं, ये सब आपका इसी में आएगा, ठीक है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री का हमारा मतलब शिक्षण सामग्री में आएगा ये सब। नेक्स्ट है आपका बहुइंद्रिय अनुदेशन, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके? नेक्स्ट, एडगर डेल शंकु, ये भी आपका शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? और ये आपका श्रव्य दृश्य उपकरण, ये मैंने अभी आपको बताया था ऑडियो विजुअल वाला, ठीक है ना? ऑडियो विजुअल वाले में वही सब आएगा आपका, राइट? अच्छा, और शिक्षण अधिगम की तकनीकी का प्रयोग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। कभी कभी इसमें जो बहुत सारी चीजें आती हैं उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, ओ आपसे पूछी गई थी अभी यहाँ पे, कि पूछी गई थी आपसे OER, OER की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो OER की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसी तरह UGC की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एक बार, ओके? चलिए फिर नेक्स्ट है आपका इसमें लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला। मतलब भाषा प्रयोगशाला क्या है, जिसमें बच्चे को भाषा से रिलेटेड प्रयोग प्रयोग कराया जाता है, मतलब उसको बोलना सिखाना, और दूसरा उसमें और भी बहुत सारे जैसे कि एड्स होते हैं भाषा सिखाने के लिए भी, और उसको एक साथ पूरा का पूरा एक प्रयोग भी कराए जाते हैं, ठीक है? तो ये पूरा भाषा प्रयोगशाला में, मतलब इस प्रयोगशाला में जितने भी भाषा सिखाने से रिलेटेड एड्स होंगे, ठीक है, वो इस प्रयोगशाला में आपको मिलेंगे। दूसरा ईमेल, ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? ईमेल क्या है, या कभी कभी पूछ लेंगे वेरी शॉर्ट में ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल, इसमें ईमेल में ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट भी आपसे पूछ सकते हैं, एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, इंटरनेट और इंट्रानेट, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये भी एक बार देख लेना है। बाकी हमारी क्लासेस भी होंगे, आप उसमें भी देख सकते हैं। स्मार्ट कक्षाएं, स्मार्ट क्लासेस, इसमें स्मार्ट क्लासेस की बात की गई है, ठीक है, कि स्मार्ट क्लासेस क्या होती है, इसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आप देखिए OER, ये अभी मैंने आपको बताया था OER की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, तो इस तरह से पूछ जाती है। हाँ जी, CAI की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है? एक कभी कभी तो इसका पूछ लिया जाता है कि CAI क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, या कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, दैट मीन्स आपका वेरी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OER, CAI, स्मार्ट कक्षाएं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग के
लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैं नहीं कहूंगी आप वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के लिए कभी रेडी वेडी करना, आपका ये लॉन्ग बनेगा, इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दिव्यम शिक्षण प्रबंधन के बारे में बताइए, तो आपको पूरा बताना है योजना व्यवस्था और मार्गदर्शन नियंत्रण की। पहले शिक्षक शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक योजना बनाएगा, ठीक है, व्यवस्था करेगा, मार्गदर्शन नियंत्रण। योजना में आपको पता ही है प्लानिंग करना कि क्या क्या उसके मतलब उद्देश्य है, पहले वो पाठ्य वस्तु पूरी देखेगा, उसके बाद सारे उद्देश्य है उनको देखेगा, उद्देश्यों को लिखेगा, उनकी व्यवस्था करना, ठीक है, किस किस तरीके से उसको अपनी शिक्षा कक्षा में पढ़ाना है, जो जो उसको सामग्री चाहिए, जो जो युक्तियां उसको लगानी, उनका चयन करेगा, ठीक है। चयन करने के बाद जब क्या होगा, वो मार्गदर्शन करेगा, मार्गदर्शन में क्या करेगा, जो भी उसके छात्र हैं उनको वो अच्छी प्रेरणा देगा, उनको प्रेरणा देने के बाद इस तरीके से तैयार करेगा कि वो अपना शिक्षक के मतलब अधिगम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और शिक्षण में रुचि लेने लगे, ठीक है। नियंत्रण, वो देखेगा कि क्या क्या उसने जो उद्देश्य लिखे थे कितने पूरे हो पाए कितने नहीं पूरे हो पाए, ठीक है। तो इसमें आप पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रेडी होगा, ठीक। नेक्स्ट, इसमें जो शिक्षण नीति का आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए लघुत्तर भी बन सकता है आपका और आपका उसका लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग कैसे बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा शिक्षण की नीतियां बताइए। शिक्षण नीतियां में बताने के बाद आपको कोई दो नीतियां दे देगा वो, जैसे कि यहाँ पे आपका व्याख्यान प्रदर्शन ह्यूरिस्टिक परियोजना दत्त कार्य खोज नीति प्रश्नोत्तर ट्यूटोरियल मस्तिष्क उत्तेलन भूमिका निर्वाह, ये सब टोली शिक्षण इसमें नहीं आएगा, ये सब पूरे के पूरे ऊपर वाली ये शिक्षण नीतियों में आएंगे। और उससे वो आपसे पूछ लेगा कि शिक्षण नीतियां क्या है, उसका संप्रत्यय बताइए और किन्हीं दो शिक्षण नीतियों के बारे में आपको दे देगा कि इन दोनों के बारे में विस्तार से समझाइए। तो आपका ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, या दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है शिक्षण नीतियां क्या है और किन्हीं दो के बारे में आपको बताना है। तो आपको आप उसमें वो किन्हीं भी दो के बारे में स्वयं से लिख सकते हैं। अगर उसने खुद से पूछ लिया कि कोई पर्टिकुलरली दोनों कोई पर्टिकुलर विद्या दे दी कि इन दोनों को ही बताइए, तो आपको उन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा, इसमें लघुत्तर क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कोई भी एक वो विधि दे देगा उसके बारे में पूछ लेगा, जैसे कि आपसे उसने बोल लिया प्रश्नोत्तर विधि के बारे में समझाइए, तो आपको बताना होगा प्रश्नोत्तर विधि क्या है, इसका इसके आपका जो इसके वो थे रचनाकार, या फिर आप कह सकते हैं कि किसके ये इसके जैसे कि अरस्तु इनके वो थे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जैसे रचनाकार की जगह नहीं, रचनाकार नहीं, वो पूछेंगे आपसे कि आपका प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं अरस्तु, उसके बारे में पूरा लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि के बारे में। तो इस तरीके से आपसे इसमें आपका लॉन्ग और शॉर्ट बनेगा, वेरी शॉर्ट इसमें से नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका इसमें है सूक्ष्म शिक्षण, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन कभी इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब लघुत्तर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ये आपका लघुत्तर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, मैं आपको बता दूं सूक्ष्म शिक्षण में अनेक मतलब इसके मतलब बहुत सारे की स्टेप्स भी हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण बेसिकली है क्या, जब आप बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ शिक्षण शिक्षण कराते हैं, तो वो आपका सूक्ष्म शिक्षण है। इसमें आपका ना एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, जैसे कि आप पहले प्लानिंग करेंगे, फिर टीच करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर से रीप्लानिंग, पूरा एक मतलब सर्कल, इसमें पूरी एक साइकिल चलती है सूक्ष्म शिक्षण में, ठीक है। तो आपका इसमें यही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लघुत्तर में। नेक्स्ट आपका इसमें शिक्षक मूल्यांकन, ठीक। तो शिक्षक मूल्यांकन आपका इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक शिक्षक जवाबदेही, तो ये भी आपके लघुत्तर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका लघुत्तर के क्वेश्चन से हुए, तो आपका सबसे ज्यादा जो भी पूरा का पूरा मेन दिया हुआ था इसमें यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा किस तरीके से आपका पूरा सिलेबस बताया, किस तरीके से आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी की सारी बताई गई हैं हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। देखिए मैंने आपको सीआई का बोला था कि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसमें पूछी जाएगी, राइट। और दूसरा आपका जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था उसके बारे में सारा क्लियर किया, तो बस ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं क्या क्या मेन है इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।